أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا कोई बन गया रौनक पखियां दी कोई छोड़ के शीश महल चलिया कोई पड़िया नाज ते नखरियां विच कोई रेत गरम ते थल चलिया ते कोई भूल गया मकसद आवण दा कोई भूल गया मकसद आवण दा कोई करके मकसद हल चलिया इत्थे घर कोई यार मुसाफिर गए कोई अज चलिया कोई कल चलिया ते कर गौर तू हाथ दियां उंगलियां ते इन्ना अंदर फर्क जरूर है इंज पर के सारी दुनिया विच कोई जाबिर कोई मजबूर ते कोई तंग तन दे कपड़िया तो ते कोई खा खा मगरूर इस बात नु याद रख तू मुस्लिम हर एक ने मरना जरूर हर किस्म दी हमदो सना तारीफात किबरियाई बड़ाई तन्हाई शहनशाही बादशाही अल्लाह वहदहु ला शरीक दी जात पाक वास्ते खास दुरूद व सलाम सय्यदुना व इमामुना इमाम कुल फखर रसूल नबी रहमत रहमत दो आलम आका कायनात हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जात गिरामी ते जीवकार सामईनो सामयात बुजुर्गो भाइयो नौजवान साथियों वाजिब अल-एहतराम मुअज्जज़ात मुकर्रमात पर्दा नशीन रूहानी इस्लामी माँ और बहन अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर इल्तजा है परवरदिगार आलम साडा अज दा 29 सितंबर 2023 12 रबीउल अव्वल दा खुतबा जुमा अपनी बारगाह दे अंदर सुनना सुनाना पढ़ना पढ़ाना कबूल फरमा के साडे सारे वास्ते हदायत और निजात दा सबब बना हजरात ओ तुलूए खत्म ओ सूरज खत्म नबूवत दा जिहड़ा तुलू होया जिस दियां किरणां
पूरी दुनिया ते गईयां ओदी रोशनी दे नाल तालीम मुस्तफा दी रोशनी दे नाल खातमुन नबीयीन दे दावती पैगाम दे नाल इलाकियां दे इलाके पिंडां दे पिंड शहर दे शहरां दे शहर जौक दर जौक ग्रोहां दी शक्ल दे अंदर जथियां दी शक्ल दे अंदर लश्करां दी शक्ल दे अंदर दारा इस्लाम दे अंदर दाखल होए और इस पैगाम नूं आम करन वास्ते खातमुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दियां बाबरकत जुल्फां दे अंदर कूड़ा सुटिया गया। कायनात तो हसीन रुखसार इस दावत की खातर जख्मी हुए कायनात दी अजीम तरीन और हसीन तरीन हस्ती इस दावत की खातर ताइफ दी वादी दे अंदर पत्थरां दा सामना करना पिया। इसी दावत की वजह करके आप दियां बेटियां नूं सताया गया आप दे असहाब नूं परेशान कीता गया आले यासर नूं तकलीफां दित्तियां गईयां सजीदा सुमैया दे जिस्म दे दो टुकड़े कीते गए हजरत बिलाल नूं जल दे अंगारियां ते लटाया गया सैयदना गदर ते खुबैब नूं सूली ते लटकाया गया मेरे महबूब नूं मक्के जैसा अजीम शहर उस शहर नूं छोड़न ते मजबूर कीता गया। ये सारियां तकालीफ सारियां परेशानियां नबी पाक ने इस वास्ते बर्दाश्त कीतियां ताकि लोगों तक अल्लाह ताला दी तौहीद दा पैगाम पहुंच जाए। फिर अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर नूं ओ मंजर दिखाया लोग ग्रोहां दी शक्ल दे अंदर मुसलमान होए आप दे सहाबी बने। अल्लाह ताला ने ओ मंजर अपने कुरान पाक दे अंदर बयान फरमाया हबीबे किबरिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम दे सीने पाक ते कुरान पाक नाज़िल फरमाया फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا फरमाया मेरे महबूब जिदू अल्लाह की मदद आ जाए अल्लाह की नुसरत आ जाए अल्लाह की तरफों फतह मिल जाए अंदर गुरुआं दी शक्ल दे अंदर है लश्करां दी शक्ल दे अंदर फौज दर फौज तुहाडे दीन दे अंदर दाखल हो रहे ने फिर सुनिया तुसां की करने सोनिया
अपने रब दियां तस्बीहां बयान करनियां ने, अपने रब दियां हमदां बयान करनियां ने। वैसे ते नबी पाक दा नाम एक मुहम्मद है ते एक अहमद है। आख मुहम्मद दा माना इदियां सब तो ज्यादा तारीफां कीतियां जान। अहमद दा माना जेड़ा सब तो ज्यादा रब दियां तारीफां करन वाला। मेरे पैगंबर ने अपनी उम्मत दियां कदम कदम ते रहनुमाइयां कीतियां ने। आपने ते इत्थों तक दस दिता है, पानी दा घुट भरो ते पड़ो अलहम्दुलिल्लाह, खाने दा इक लुकमा खाओ ते कहो अलहम्दुलिल्लाह, सौं के उठो ते कहो अलहम्दुलिल्लाह, किसे बीमार नूं किसे बीमारी दे अंदर वेखो ते पड़ो अलहम्दुलिल्लाह, मैनूं इस बीमारी तों बचा। कदम कदम ते नबी पाक ने अल्लाह दियां तारीफां दसियां ने। मेरे पैगंबर पहले ही अल्लाह दियां हमदां बड़ियां बयान करदे ने, पहले ही अल्लाह दियां तस्मियां बड़ियां बयान करदे ने। अल्लाह ताला ने कामयाबियां तो बाद अपने पैगंबर नूं हमदां ते तस्मियां दा क्यों हुक्म दिता है? फरमाया सुनिया ताकि तुहाडी उम्मत दे लोकां नूं पता चल जे, जदों बंदे दे साथी वध जाण तकब्बर नहीं करीदा बल्कि रब दा शुक्रिया अदा करीदा है। कई पार्टियां मजबूत हो जान ते लीडरां दे गर्दन दे अंदर शरिया आ जांदा है। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर दियां नबी पाक तो वध के कोई लीडर हो बोलो, नबी पाक तो वध के कोई कायद कोई नहीं। अल्लाह ने अपने पैगंबर दियां तरबियतां कर दित्तियां ने। फरमाया सुनिया एक वक्त सी तुसी कल्लियां खड़े होके कोहे सफा ते क्या सी कूलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ते अज तुहाडे नाल 1.5 लाख सहाबा रल गए ने ते अल्लाह दियां हमदां बयान करनियां ने, अल्लाह दियां तस्बीहां बयान करने। अल्लाह जी क्यों फरमाया लाकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़कर अल्लाह कसीरा। फरमाया सोनिया असां तुहाडी जिंदगी नूं लोकां वास्ते नमूना बनाए, आइडियल बनाए, जिंदगी दा इक इक लम्हा लोकां वास्ते नमूना है ते तुहाडियां कामयाबियां वेख के लोग जो तुसां करोगे ओह तुहाडे उम्मती करनगे। अल्लाहू अकबर। मेरे पैगंबर सलातो सलाम ने अल्लाह दियां तस्बीहां भी बयान कीतियां, हमदां भी बयान कीतियां। सैयद ना हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु जनाब कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। मेरे पैगंबर दे उमर मैनू भी उन्होंने सियाबा के नाल ही बिठा लिया कर दे। नबी पाक दे सियाबा फरमा दे उमर यार अब्दुल्ला साडे बच्चियां वर गए ते साडे बराबर ले आके बैठा देने। हजरत उमर फरमाया कर दे तुहानू पता है अब्दुल्ला नू मैं तुहाडी मजलस दे अंदर उन्हां दे इलम दी वड़ा करके बैठाया करना वा। क्योंकि यरफा इल्लाहु लजीना आमनू मिनकुम वल्लजीना उतुल इल्म दरजात। अल्लाह दीन दियां बजियां वजा करके इज्जतां ते बुलंदियां अता कर दे। मेरे पैगंबर दे सहाबी फरमांदे ने एक दिन हजरत उमर ने एक बार सहाबा नूं भी बुला लिया ते मैनूं भी बुला लिया ते मेरा अंदाजा सी अज हजरत उमर मेरा इलम इन्हां कबार सहाबा दे सामने जाहिर करना चाहते ने। हजरत उमर फरमांदे ने साथियो सूरा नसर दे बारे दसो ना। अल्लाह ताला ने सूरा नसर नाजल करके अपने नबी नूं पैगाम की दिता सूरत नादल करके दसिए। सोनिया हुण अल्लाह ने तुहानू कामयाबियां दे दित्तियां ने, तुसीं अल्लाह दियां हमदां ते सुनावा करो, अल्लाह दियां तस्बीहां बयान करो। अल्लाहू अकबर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह
अल्लाह फरमाते ने अब्दुल्ला तेरा इस सूरत के बारे की मौकफ है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते ने उमर जी मेरा मौकफ है वे कि अल्लाह ताला ने इस सूरत नाजल करके अपने पैगंबर मौत का सुनेहा दिता है, अपने पैगंबर मौत का पैगाम दिता है। हजरत उमर फरमाते ने अब्दुल्ला जेड़ा मौकफ तेरा है वो मौकफ मेरा है। अल्लाह ताला ने नबी पाक ने सलातो व सलाम नु कुरान पाक दियां सूरतां नाजल करके पैगाम दे दिता है। सुनियो जड़िया जिम्मेदारियां सन वो तुसी अपनियां पूरियां कर दित्तियां ने, हुण दुनिया नूं छड्ड के आण दा वक्त हो गया है। नबी पाक ने इशारियां कनाया नाल अपने उम्मतियां ते अपने सहाबा नूं समझाया। ऐ वी बुखारी पाक दी रवायत है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मुआज बिन जबर रज़ी अल्लाहु तआला नूं यमन दा मुबल्लग बना दित्ता है। आप नाले ड्यूटियां लगा रहे ने ते नाले फरमा रहे ने मुआज जा तैयारी करके जान लगे मैं दस के जाई मैं मुहम्मद आप अलविदा करके आवांगा, मैं आप तेन रुखसत करके आवांगा। हजरत मुआब ने सवारी नाल लईए चलते हैं चलते हैं मेरे पैगंबर की खिदमत के अंदर हाजिर हो गए। रहमत कायनात ने कदर ते मुआब तू सवारी ते सवार कर दिते, आप पैदल चलते जा रहे हैं। अल्लाह को अकबल आप वसीयत नसीहत करते जा रहे हैं, हैं गल करद करद आप फरमाते ने या मुआद असा अल्लाह तलकानी बादा आमी हादा मुआद हो सकते एंदा साल तू लौट के आए ते मेरिया तेरिया मुलाकात ना हो सकन, मुआद हो सकते तेरा गुजर मेरी कबर तो हो सकते तेरा गुजर मेरी मस्जिद तो होए ते मेरे नाल तेरिया मुलाकात ना हो सकन। ते जान दियो ना हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला नबी पाक दे ओ सहाबी ने जिन्ना नाल मेरे पैगंबर ने कसमां चुक के मुहब्बत दा इज़हार कीता है। आप फरमांदे ने वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका या मुआज़, मुआज़ मैनू अल्लाह की कसम है मैनू तेरे नाल प्यार है। ए हज़रत मुआज़ ने मेरे पैगंबर दी जुदाई दा सुनिए फबका मुआज़ जशन लि फिराक रसूलिल्लाह। हज़रत मुआज़ मेरे पैगंबर दी जुदाई रोन लग गए ने, हजरत मुआज मेरे पैगंबर की जुदाई का सुन के अखां दे आंसू बहाण लग गए ने। यार यार कोई आम दुनिया पे टुर जाए ते बंदे दा दिल नहीं लगता, ते ओ मुहब्बत करन वाले पैगंबर जेड़े कसमां चुक के मुहब्बत दा इज़हार करो पैगंबर की जुदाई का सुन के हजरत मुआज दे दिल ते की गुजरियां खोण गईयां। मेरे पैगंबर ने इशारियां नाल समझा दिता है ऐसा नबी पाक दे दुनिया तो जान दा साल रहमत कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम दे सीना पाक दे कुरान पाक नाज़िल होए अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अलइस्लाम दीना। फरमाया सुने अज दे दिन तुहाडे ते तुहाडे दीन नु मुकम्मल कर दिता है ते अपनी नेमत नु पूरा कर दिता है ते दीन भी मुकम्मल ते नबी दीयां जरूरतां भी दुनिया ते मुक गईयां ने। हजरत अबू बकर ने आयत सुनी ते रोन लग गए ने। उमर कहंदे ने अबू बकर अज ते यार खुशी दा मौका है तू अज वी सूबा खांदा पिया है। हजरत अबू बकर फरमांदे ने उमर यार गौर ते कर ना एक वक्त सी नबी पाक पैगाम लेके आए सन, नबी पाक कुरान पाक दियां तां सानू पढ़ के सुनांदे सन। अज मुकम्मल हो गया, अज दीन मुकम्मल हो गया, अज आखरी आयत नाज़िल हो गई दीन मुकम्मल हो गया है, नबी दियां लोड़ां भी मुक गईयां ने, नबी पाक सानू जुदाइयां देण वाले ने। अल्लाह हू अकबर मेरे पैगंबर ने और भी बड़े अमदाद नाल इस दुनिया तो जान दे इशारे कीते ने रहमत कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हड दे मौके ते इंज मैदाने अरफात दे अंदर अपने सहाबा दे सामने खुतबा इरशाद फरमा रहे ने। तकरीबन 1,44,000 मेरे पैगंबर दे सहाबा इस मौके ते मौजूद ने। कायनात दे लोग रब ने मंदर विखा दिता है, वो वादा पूरा कर दिता है। इज़ा जा नस
نصراللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. میرے پیغمبر خطبہ ارشاد فرمان لگے نے ہر پاسے سے آپا نظر پہ آندے نے اللہ اکبر اللہ کیا مندر ہوئے گا میرے پیغمبر دے سے آپا گرد میرے آپا آپ دے سے آپ دے سے آپا آپ دے گرد شریف فرما ہون گے. یار آج دنیا تے بندے نو اللہ ہٹ دی سعادت عطا کرے تے موجودہ جڑا امام ہوندا ہے ہٹ دا بندہ او دے پیچھے اے ہٹ دا خطبہ سننا تے نماز پڑھنا ساتھ سمجھدے تے صحابہ دی عظمت صدقے جاواں کنا ہٹ دا خطبہ سنے تے محمد پاک دی زبان وچ سنیا اے جنہاں کائنات دے لوگوں نماز پڑھیے تے میرے پیغمبر دے پیچھے پڑھیے ہن سامنے نبی پاک دے صحابہ دا لشکر ہے 144 گدار صحابہ یا ایدے تو کموں پیش نے تے مندر یاد آ گیا بابا دی شمسام رحمت اللہ علیہ یاد آئے اے اندر ورفانا وعدا کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں چو وکھرا شان پایا سلطان نے گھر گھر ویکھو پہنچیا نام سرکار دا نام محمد والا کال جٹھار دا چار چوبیرے پیاں سونے دیا تمانی خلق مٹا سو شہد کر دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع قدم جا چمانی ہووے سمسام اتے فضل غفار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آپا مخاطب مدانی عرفات دے اندر آپ فرما دین میرے صحابہ کیا میں تواڈے تک رب دا دین پہنچا دیتا ہے سونیا پہنچا دیتا ہے تے میرے پیغمبر دو مرتبہ آسمان والا ہاتھ کر کے تکنی زمان چکے دین اللہم اللہم اللہ گواہ ہو جا میں تیرا دین تیرے بندیاں تک پہنچا دیتے تیرے بندے گواہی دین دے پہنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے دا پورا دین ساڈے تک ساڈے تک تے ہن جڑی کو ایدے تو وادو گل بندہ نال لاوے او نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے بارے شک وچ پاندا ہے کہ نہیں بولو کہ ماذا اللہ کہ نبی جڑا بندہ اپنے کوڑوں کو بدعت آزاد کرے کو نوی رسم کرے کو دین دے اندر نوی چیز شامل کرے تے اے ہوئی کہنا چاہندا ہے نا کہ ماذا اللہ نبی پاک نے پورا دین ساڈے تک نبی پاک نے میدان عرفات دے اندر کھڑے ہو کے رب نو گواہ بنا کے کہا سی اللہ تیرا دین تیرے بندیاں تک پہنچا دیتا ہے تے اس دین دے اندر جو اج بازاراں دے اندر ہو رہا ہے گا بولو اللہ دی قسم کوئی نہیں اے مولویاں دیاں بنائیاں ہیاں گلاں دے اے اپنے پیٹ دے واسطے سارا کچھ لوگاں نو نوے طریقے تے لگا کر کے اج تو 40 سال پہلے 12 ربیع الاول والے دن پاکستان دے اندر یوم وفات منایا جاندا سی تے اج کی منایا جا رہا ہے اج جشن عید میلاد النبی عیداں کدیاں نے ہیں پہلی عید دا نام کی ہے عید الفطر تے دوسری عید دا نام کی ہے عید الفطر دیاں تے عید الاضحی دیاں تکبیراں دا پتہ تے عید میلاد النبی دیاں کنیاں تکبیراں نے ہیں جے عید ہوندی تے تکبیراں ہوندیاں ہیں جے عید ہوندی تے نماز وی کنیاں رکھتا نے میں کسی تے تنقید نہیں کرنا چاہندا بس برائے اصلاح پیغام دینا چاہنا عیداں کنیاں نے دو نے ایک عید الفطر اور ایک عید ال
ईद उल फितर और ईद उल अज़हा दियां तकबीरां मौजूद ने, नमाज दी रकतां दी तादाद मौजूद है, ईद उल मिलाद उन नबी दियां तकबीरां और इहदियां रकतां दी तादाद, इहदा मतलब है ईद ईद ओ है जिहड़ी दीन दे अंदर मौजूद है। अल्लाहु अकबर अल्लाह रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे मेरे सहाबा आज मेरे को चंगी तरह हज दा तरीका सीख लो, हज तो बाद हो सकदा है मैं हज ना कर सका। मेरे पैगंबर ने इत्थे भी अपनी वफात दा पैगाम दे दिता है ते अल्लाह तआला ने अपने कुरान पाक दे अंदर कई एक मुकामात ने ऐलान फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने इन्नाका मैयतुन व इन्नाकुम मैयतुन, सुनिया इन्ना भी एक दिन फौत हो महबूबा तुहाडे तो पहला भी कोई हमेशा नहीं रहा, इन्हें भी हमेशा नहीं रहना, तुसा भी हमेशा नहीं रहना। फमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कब लेगर रसूल हफईमा ताउ कुतिलन कलब तुम आला आकाबिकुम हमें मैयन कलबाला अकी भईगी फलयजुर अल्लाह शैया वसयज जिल्ला गुशाकरीन। अल्लाह फरमांदे ने मुहम्मद अल्लाह दे रसूल ने, रसूल अल्लाह तो पहला भी रसूल गुजरे ने, अगर नबी पाक फौत हो जाने या शहीद हो जा कर दिते जान या तुसी अपनी एड़ियां दे बल फिर जाओगे, अगर फिर जाओगे ते अल्लाह दा कोई नुकसान नहीं करोगे। अल्लाह हु अकबर अल्लाह ताला ने सायत दे अंदर भी मेरे पैगंबर दी वफात दा पैगाम दिते, ते रहमत दे कायनात ने सलातो व सलाम अपने इशारियां नाल अपने सहाबा नु सुना समझांदे पै ने, मेरा हुण दुनिया तो जाण दा वक्त आ गया। नबी पाक दे सहाबा फरमांदे ने हर साल नबी पाक 10 दिन दा इतकाफ करया करदे, जिस साल नबी पाक दी वफात हुई है मेरे पैगंबर ने उस दिन 10 नाब नबी पाक 10 दिनां दा इतकाफ कर दे, ते उस साल नबी पाक ने 20 दिनां दा इतकाफ कीते। मेरे पैगंबर हर साल हज़रत जिब्रील नाल कुरान दा दौर करया कर दे इक मर्तबा, जिस साल नबी पाक दी वफात हुई है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 मर्तबा दौर कीता है। 29 सफर नूं मेरे पैगंबर दी मरद दा आगाज़ होया है, नबी पाक इक जनाज़े तो वापस आए ने, रहमत कायनात दे शर मुबारक दे अंदर दर्श हो गई है। ते मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हन करके बीमारी दी कफियत बीमारी दा आगाज हो गई है। 12, 13 या 14 दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बीमारी दे अंदर गुजारे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बीमारी दी हालत दे अंदर भी नबी पाक अपने सहाबा नूं नमाजा पढ़ाते रहने। जुमेराब दा दिन है मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सहाबा नु मगरब दी नमाज पढ़ाई है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा के घर तशरीफ लै गए ने, ऐन करके ईशा दी नमाज दा टाइम हो गई है। ते मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते गशियां तारी ने, नबी पाक के बुखार दी इस कदर शिद्दत है, मेरे पैगंबर फरमाते ने मेरे वास्ते पानी रखिया डे, आप वास्ते पानी रखिया गए। नबी पाक ने गुसल फरमाए, आपने उठना चाहे फिर नबी ते गशी तारी हो गई है। आप फरमाते ने सहाबा ने नमाज पढ़ ली है, सुने तुहाडा इंतजार हुंदा पिया है, एक मरतबा भी एंजॉय आओ, दूसरी मरतबा भी एंजॉय आओ, तीसरी मरतबा भी एंजॉय आओ, ते चौथी मरतबा फरमाते ने मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर नु को लोगां नु नमाज पढ़ाए। ते दूसरी हदीस पाक जंदर आंदे, नबी पाक ने पैगाम भेजिए अबू बकर नु को लोगां नु नमाज पढ़ाए, हज़रत अबू बकर तक पैगाम पहुंची है। अबू बकर दियां अखां डुल पईआं, हज़रत उमर नूं कहंदे ने उमर यार तू नमाज पढ़ा दे, मेरे कोल नमाज नहीं पढ़ाई जानी। ते उमर कहंदे ने अबू बकर ए तेरा ही शान है, ए तेरा ही शान है कि तू ही सानू नमाज पढ़ाएगा। हज़रत अबू बकर ने
सहाबा नु नमाज पढ़ाइए अल्लाह को अकबला सितारा नमाजा हजरत अबू बकर ने मेरे पैगंबर दी जिंदगी दे अंदर आप दी उम्र मुबारक दे अंदर सहाबा नु पढ़ाइया ने जुमे रात दी शादी नमाज जुमे दे दिन दीयां पांच नमाजा हफ्ते दे दिन दीयां पांच नमाजा इतवार दे दिन दीयां पांच नमाजा हर सवार दी फजर दी नमाज हजरत अबू बकर ने नबी पाक दी जिंदगी दे अंदर सहाबा नु पढ़ाई है हफ्ते वाले दिन मेरे पैगंबर इतवार या हफ्ते वाले दिन नबी पाक कहन करके हजरत अली ते हजरत अब्बास दे कंधियां ते अल्लाह को अकबर कहन करके हाथ रख के मस्जिद नबी दे अंदर तशरीफ ले करके आए ने हजरत अबू बकर लोगों नु नमाज पढ़ांदे पै सन जदों नबी पाक दी आमद दा पता चलिया ना अल्लाह को अकबर ला हजरत अबू बकर ने पीछे घटना चाया आपने इशारे नाल हजरत अबू बकर नु फरमाया अबू बकर अपनी जगह ते रहे अबू बकर अपनी जगह ते रहे मेरे पैगंबर आके हजरत अबू बकर दे सज्जे पासे बह गए ने अल्लाह हू अकबर ला कायनात दे लोगो मेरे पैगंबर आके हजरत अबू बकर दे खब्बे पासे बह गए ने हजरत अबू बकर मेरे पैगंबर दे सज्जे पासे ने नबी पाक अबू बकर दे इमाम ने ते अबू बकर सारे सहाबा दे इमाम ने मेरे पैगंबर ने अपने नाल बिठा के सहाबा नु नमाज पढ़वा के कयामत तक आने वाले लोगों नु दसिए मेरे बाद मेरे मुसल्ले दा वारिस कौन है आज के बोलो कौन है अबू बकर नबी पाक दे मुसल्ले दा वारिस अबू बकर मदनी दे बाद रकबर सिद्दीक मनना पौसी आका दा यार गारे तस्लीम करना पौसी मदनी दे बाद रकबर सिद्दीक मनना पौसी जिस दी अदावां दा कुरान भी गवाए ऐलान बारी ताला वाला सौंपर जाए ऐलान बारी कईयां बदबख्तां नूं सहाबा तो बड़ी तकलीफ है सहाबा तो बड़े जैलस ने सहाबा दा नां सुन के सड़ जांदे ने सहाबा दा नां सुन के जल जांदे ने और हजरात आइए तीन दिन पहले दा वाकिया सखर दे अंदर बदबख्तां बेईमानां दुनिया दे जलील तरीन इंसानां हजरत उमर दा नाम लिख के उत्ते जुतियां मारियां ने मैं कहना वां और मुसलमानों तुहानू उहना जशन ते ला दित्ता तुहानू उहना भंगड़ियां ते ला दित्ता तुहानू उहना होर तरीकियां ते ला दित्ता ते आप नबी पाक दे सहाबा दी वी गुस्ताखी करदे ने कदी अपनी ऐशा दे बारे बकवास करदे ने कदी हजरत हस्सा दे बारे बकवास करदे ने कदी हजरत अबू बकर दी हरदा सराई करदे ने कदी हजरत उमर दी गुस्ताखी करदे ने अल्लाह हू अकबर इंशाल्लाह नबी पाक दे सहाबा ते गुस्ताख दुनिया ते भी जलील होणगे और कब्र दे अंदर भी जलील होणगे हशर दे अंदर भी जलील होणगे सहाबा दा नाम चमकदा सी चमकदा रहेगा सहाबा दा जलील गुस्ताख सी गुस्ताख जलील हुंदा रहेगा इंशाल्लाह इन्हां नूं असी रोकांगे भी टोकांगे भी और जिथे जिथे तक साडी पहुंच गई इंशाल्लाह ताकब करके इन्हां नूं इन्हां दे अंजाम तक पहुंचावांगे तैयार हो अल्लाह दी कसमें ओ जड़ी हजरत उमर दी गुस्ताखी वाली वीडियो मेरे कोल ते नहीं वेखी गई अल्लाह हू अकबर पता नहीं अज दा जवान किवें सहाबा दी गुस्ताखी बर्दाश्त कर लैंदा है ओए अपने ज़मीर जगाओ सहाबा दी नौकरी ते पहरेदारी वास्ते चौकीदारी वास्ते तैयार हो जाओ आओ बात दूर ना निकल जाए रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम ने कायनात दे लोगों नु दस दिता मेरे बाद मेरे मुसल्ले दा वारिस कौन है बोलो कौन है अबू बकर एक बारी सारी मस्जिद गूंज जानी चाहिए नबी पाक दे बाद नबी पाक दे मुसल्ले दा वारिस कौन है
अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाए बड़िया सारिया बातें मेरे पैगंबर ने दसिया ने आइए कायनात के लोग तवज्जो कर दिया जाना गौर कर दिया जाना रहमत कायनात ने अलैहिस्सलाम की बीमारी बढ़ती जाती है इन्हीं दिनों के अंदर मेरे पैगंबर ने अपन बीवियां दियां ना वारियां मुकर्रर कीतियां होईयां सन ते मेरे पैगंबर बार बार पुछदे ने मैं कल किदे घर दे अंदर आवांगा कल किदी बारी है ते नबी पाक दियां बीवियां समझ गईयां नबी पाक अपने दिन अपनी बीवी ऐशा दे घर दे अंदर गुजारना चाहते ने मेरे पैगंबर दियां बीवियां इजाजत दे दित्ती है सुनियो जिथों जिथे तुहाडा दिल कर दे उत्थे रह लवो नबी पाक ने अपनी जिंदगी दे आखिरी दिन गुजारे ने ते अम्मा दे हुजरे दे अंदर गुजारे ने सिद्दीक तो भी सदके जावा सिद्दीका तो भी सदके जावा अल्लाह को अकबला में कुर्बान जावा रहमत कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो सलाम दी बीमारी दे अंदर अज़ाब शिद्दत हुंदी जा रही है ते मेरे पैगंबर ने सलातो सलाम दी ज़ादा मुहतरमा फरमांदियां ने हजरत अनस भी बयान करदे ने बुखारी पाक दी रिवायत है आइए नबी पाक दे आखरी दिन दी गल करिए सवार दा दिन है फजर दी नमाज दा टाइम है ऐन करके सहाबा दियां सफां बणियां गईयां ने मेरे पैगंबर दे यार कतारां दे अंदर खड़े ने नबी पाक दे सहाबा मेरे पैगंबर ने मस्जिद नबी दे अंदर वेखिए आप दे चेहरे ते मुस्कुराहट आ गई है अल्लाह की कसम नबी पाक केडे सोहने लगदे पै सन जिवें रेल ते रब दा कुरान मेरे पैगंबर मुस्कुराए ने नबी पाक दा अल्लाह ने वैसे ही नबी पाक नु बड़ा सोहना बनाया जो नबी पाक मुस्कुराते सन मेरे पैगंबर दा हुसन दुबाला हो जाया करदा सी नबी पाक ने सहाबा दियां सफां वेखियां हजरत अबू बकर नु मुसल्ले ते वेखिया मेरे पैगंबर दे चेहरे ते मुस्कुराहट आ गई अल्लाह को वक्ल अल्लाह अल्लाह मेरे पैगंबर ने सलातो सलाम दा दिल ठंडा हो गया मेरा सिद्दीक मुसल्ले ते खड़े मेरे सहाबा सिद्दीक दे पीछे मुक्तदी बन के खड़े ने नबी पाक खुश होए सिद्दीक दी इमामत ते कौन खुश होए ओ कौन खुश होए सिद्दीक दी इमामत ते नबी भी खुश ते अल्लाह भी ते कौन ना खुश बेईमान कौन ना खुश अल्लाह अल्लाह भी खुश ते नबी भी ते कोई बेईमान ना भी खुश होए ते सिद्दीक दा कुछ बिगाड़ सकदा लेकिन जुमे दा टाइम थोड़ा हुंदा मैं चाहना अज खुतबा मौजू मुकम्मल हो जाए नबी पाक ने सलातो सलाम वापस आके अपनी चार पाई ते लेट जांदे ने ते आप फरमांदे ने आयशा मेरी बेटी फातिमा नु बुलाया जाए सजीदा फातिमा रजी अल्लाह तआला ने कबल पैगाम गिए बुखारी पाक ने अल्फाज मेरे पैगंबर की बेटी चल दी आ रही है आयशा फरमांदियां ने फातिमा इंज चलिया कर दियां सन जिवें नबी पाक चल दे सन हजरत फातिमा दी ते मेरे पैगंबर दी चाल दे अंदर ममासलत बड़ी सी मुशाबत बड़ी सी चलदियां सजीदा फातिमा हन मेरे पैगंबर दे करीब आईयां ना ते आप दी बुखार दी शिद्दत में कीना ते फरमांदियां ने वाह कर बाबा हाय मेरे अब्बा जान नु कितनी तकलीफ है हाय मेरे अब्बा जान नु कितनी तकलीफ है या फरमांदे ने बेटी चुप कर जा अड दे बाप तेरे बाबा मुहम्मद दियां सारियां तकलीफां मुक जाणगियां
मेरे पैगंबरी सलाम दी बेटी बाप दा दुख वेख के बाप दी तकलीफ वेख के रो पईए। यार दुनिया दी कुआम बेटी अपने बापा नूं दुख दे अंदर नहीं वेख सकदी, दुनिया दी कुआम बेटी अपने बाप नूं तकलीफ दे अंदर नहीं वेख सकदी। ते ते बेटी फातिमा ए ते बाबा मुहम्मद ए बेटी ओए जिन्हां दे बारे नबी पाक ने फरमाया अल फातिमा तू बिजा तुम मिनी, फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़े। ते बाप ओने ती मिल वास्ते आंदी ए ते बाबा उठ के इस्तकबाल करया करदे सन जिते आप बैठे होंदे सन, लाल बेटी नूं बिठा लेंदे मत्था चुमदे नबी पाक प्यार दा इज़हार करदे। अज मेरे पैगंबरी सलातु वसलाम दी तकलीफ वे करके सजीदा फातिमा रो पईआं ने ते तीआं मापिआं कोल रोंदीआं वेखीआं जांदीआं नहीं जे वेखियां जांदियां मापिया कोलो। मैं ते अक्सर कहिंदा गुनावां बाप कहिंदा मेरी दुकान विक जाए, मेरा मकान विक जाए, मेरी कोठी विक जाए, मेरा बंगला विक जाए, मेरियां जदादां विक जाण, पर मेरी बेटी दे अख जिंदरा सू नजर नहीं आने चाहिए। अज नबी पाक ने बेटी नूं करीब कीता है, आप ने कन विच गल कीती है, आप फरमांदे ने बेटी मेरी तेरी जुदाई दा वक्त आ गया, मेरी तेरी जुदाई हज़रत फातिमा दे दिल नूं तसल्ली होई ते मुस्कुराहट आ गई है चेहरे ते। ए जुदाइयां दा वक्त थोड़ा ही है, जल्दी बाबा नाल मुलाकातां हो जाणगियां। मेरे पैगंबरी सलातु वसलाम दी बेटी इंज करके करीब बैठी है ते अम्मा ऐशा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा बयान कर दिया ने अल्लाहु अकबर लवा अम्मा ऐशा मैं तेरे मुकद्दरां तो सदके जावां, अम्मा ऐशा मैं तेरे नसीबां तो सदके जावां। मां फरमांदियां ने जदों नबी पाक फौत होए ने उस दिन हुजरा भी मेरा सी, वारी भी मेरी सी, ते नबी पाक दा सर गोदी भी मेरी विच सी। अल्लाहु अकबर ऐन करके नबी पाक ने अम्मा ऐशा नाल टेक लगाई है। इस दौरान सैयद ना कदर अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह तआला गदर ते आयशा दे वीर चलदे चलदे आए ने ते हाथ दे अंदर मिसवाक पकड़ी है ते मेरे पैगंबर ने करके मिसवाक वल वेंदे पै ने। नबी पाक अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ौजा कहण लगियां सुणियो मिसवाक करना चाहंदे जे, आप फरमांदे ने गा इंज नबी पाक दी बीवी ने मेरे पैगंबर वास्ते मिसवाक पकड़ी है ते नबी पाक नूं पकड़ा दित्ती है। अल्लाह अकबर अल्लाह रहमत कायनात ने सल्लल्लाहु सलाम ने करके अपने मुंह दे अंदर मिसवाक डाली है ते नबी पाक दे जिस्म दे अंदर इतनी को नकाहत ते कमजोरी आ गई, आप दे दंदान मुबारक तो मिसवाक नहीं चबाई गई। ते हमेशा कहंदियां ने सुनियो इजाजत दियो ते मैं तुहानू मिसवाक नरम करके दे देवां। हमेशा फरमांदियां ने नबी पाक ने मिसवाक मैनू दे दित्ती है। अल्लाह तेरा लख शुक्र है जांदी वारी ऐशा ते ऐशा दे महबूब दा लुआ भी कठिया कर दिता। अल्लाहु अकबर मेरे पैगंबर ने एन करके मिसवाक कीती है। अल्लाहु अकबर ते मैशा फरमांदियां ने नबी पाक दे करीब एक पानी वाला बर्तन है, मेरे पैगंबर ने चादर लई होई है ते बार बार उस बर्तन दे अंदर हाथ डालदे ने ते चेहरे तो कपड़ा खटा लैंदे ने ते पेशानी ते हाथ लगांदे ने। अल्लाह ते आप बार बार पढ़दे ने ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौती सकरात ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौती सकरात। अल्लाह तेरे तो अलावा मबूद कोई नहीं, मौत दियां सख्तियां बरहक ने, मौत दियां मदहोशियां बरहक ने। माशा फरमांदियां सन नबी पाक दी मौत वेख के मैनू दुनिया दियां मौतां दियां सख्तियां भुल गईयां ने। इन्ना लिल मौती सकरात मेरे पैगंबर सलातो सलाम दी ज़ौजा मोहतरमा फरमा
ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਹੱਥ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆ ਪੜਦੇ ਨੇ ਮਾਲਜ਼ੀਨਾ ਅਨਅਮੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿਮ ਮਿਨਨ ਨਬੀਨਾ ਵਸਿੱਦੀਕੀਨਾ ਵਸ਼ੁਹਦਾਈ ਵਸਾਲਹੀਨ ਵਹਸਨ ਉਲਾਇਕ ਰਫੀਕਾ ਅੱਲਾਹੁਮ ਬਿਰਫੀਕ ਲਾਲਾ ਅੱਲਾਹੁਮ ਬਿਰਫੀਕ ਲਾਲਾ ਬਾਰਾਂ ਰਬੀ ਦੀ ਸੁਬਹੋ ਅਨੂਰ ਉਜਾਲਾ ਸੀ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪੜਦੇ ਅੱਲਾਹੁਮ ਬਿਰਫੀਕ ਲਾਲਾ ਸੀ ਰਬੀ ਦੀ ਸੁਬੋ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਤੇ ਰਕਸ ਕਰਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਵਲਾਦਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਫੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਤੀ ਆ ਗਏ ਨੂਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਦੇ ਬਸ ਕਰ ਐਸ਼ਾ ਗੁਣ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਦੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਜਗਦਾ ਜਗ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਗੁਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪੜਦੇ ਅੱਲਾਹੁਮ ਬਿਰਫੀਕ ਲਾਲਾ ਸੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਲਾਤ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜਵਾਜਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਐਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਸੁਹਾਗ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਏ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਐਸ਼ਾ ਅੱਜ ਫਾਤਮਾ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਈ ਏ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਐਸ਼ਾ ਅੱਜ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਆਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟਰੇ ਟੁੱਟਰ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਜਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਤੇ ਹੁਜਰਾ ਐਸ਼ਾ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਯਾਰੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰਹਿਲਤ ਫਰਮਾ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਏ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚ ਗਿਆ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਨ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਰੀਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰਹਿਲਤ ਫਰਮਾ ਗਏ ਸਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਹਰ ਸਹਾਬੀ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਾਲ ਬਾਰਾਂ ਰਬੀਉਲ ਅੱਵਲ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਬਾਰਾਂ ਰਬੀਉਲ ਅੱਵਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਂਸੂ ਬਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ 12 ਰਬੀਉਲ ਅੱਵਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਰੋਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਨੇ ਐਸ਼ਾ ਹਫਸਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲੈ ਜੇ ਸੋਹਣਿਓ ਜਬਰੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਦੀਗਰ ਸਹਾਬਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਈ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਈ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਸਹਾਬਾ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਲਾਲ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ
हजरत अनस नू मदीना पाक दे अंदर रह के नबी पाक नजर आंदे हजरत अबू बकर उमर उस्मान नू अली नू मदीना पाक दे अंदर रह के नबी पाक नजर नहीं आंदे ते मौलवी नू पाकिस्तान दे अंदर बैठ के नजर आंदे ने भी नबी पाक आ गए ने हाय अफसोस की गल है ना सारा साल अकीदे तो सदके जावा सारा साल नारे लगांदे नबी पाक हाजर ने नबी पाक बोलो हाजर ने ते 12 रबीउल अव्वल नु आमद दी जशन दी खुशी जदो हाजर ने फिर दोबारा कित्थों आए को अकायद ते गौर कीजिए को अपने अकायद वल तवज्जो कीजिए मेरे भाई और फिर कुरान पाक दी आयतां पढ़ पढ़ के दलीलां दित्तियां जांदियां ने जी मिलाद मिलादुन नबी दा जशन कुरान पाक दी आयतां दे अंदर असीं नाब साबित करने अजीब गल है ओ कुरान पाक दी आयतां नबी पाक नूं समझ नहीं आईयां अबू बकर उमर नूं समझ नहीं आईयां अज दे मौलवी नूं समझ आ गई उहनां नूं समझ आई उहनां नूं नहीं समझ आई उहनां जशन नहीं मनाया रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 नबियों अव्वल वाले दिन इस दुनिया तो रहलत फरमा गए ने हजरत अबू बकर नु पता चलिया अपने जनाब पैड़ियां दे अंदर काम कार दे सिलसिले दे अंदर गए ने वापस आ गए हैदर वेखिया जे अब मेरा ईमान है इस उम्मत दे अंदर नबी पाक नाल सब तो प्यार करन वाला वध के प्यार करन वाला अबू बकर है हजरत अबू बकर आए ने ते प्यार दा इजहार भी कीता ते दसिया भी है सब तो ज्यादा मोहब्बत अबू बकर दी नबी पाक दे नाल हैज नबी पाक ने सलातो व सलाम दे दरवाजे ते हुजरा आयशा ते आके दस्तक दीती इजाजत लेके अंदर दाखिल होए ने ते मेरे पैगंबर नु लेटियां वेखिया ना नबी पाक दे चेहरे मुबारक तो इंज कपड़ा घुटाए ते पेशानी ते बोसा दिता है अखां डुल पईयां ते रो करके कहंदे ने इन्ना मुहम्मदन कदमात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक नबी पाक फौत हो गए ने अल्लाहू अकबर अल्लाह ते सोणिया तुहाडे ते दो मौतां कठियां नहीं हो सकदियां जड़ी मौत आनी सी तुहाडे ते आ गई है नाले बोसा देंदे पैने ते नाले दसदे पैर नबी पाक फौत हो गए ने अबू बकर कहंदे ने नबी पाक फौत हो गए ने कुरान कहंदा इन्ना का मैयतुन व इन्ना हुम मैयतुन फमा जाल लाल बशर मिन कबल कल खुल्द अफई मिता पहुम लखालदून मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल खद खलत मिन कबल गिर रसूल अफई मा ताउ कुतिलन कलब तुमाला आका बिकुम फमिम्मैयन कलब अला अकिबई नबी पाक इस दुनिया तो रेलत फरमा गए ने जिधर ते अबू बकर दी कफियत अल्लाहु अकबर अल्लाह टूट गया लक मेरा के सिद्दीक ने सानू जुदाई दीती सोने रफीक ने आके ते वेखिया लेटे नबी शफीक ने ता चुम लिया चेरे पाक ताई कहिंदा सिद्दीक पहले मैं मर जावंदा गम महबूब वाला जरिया न जावंदा नबी मुहम्मद मेरी कब्र ते आवंदा ता हुंदी आसानी मेरे ताई कहिंदा मुआज मेरा दिल नहीं लगदा बुझ गया दीवा जेड़ा चानन सी जगदा नबी पाक दे सहाबा हजरत मुआज़ अपनी जगह ते रोंदे पै ने हजरत बिलाल अपनी जगह ते रोंदे पै ने कहिंदा बिलाल रातां कालियां आईयां ने
रब दे गबीब सानू दितियां जुदाइयां ने चिन्ना दी खातर मैं मारा खाइया ने ओ सोना अज मैनू दिसे नाई नबी दी डाची नाम उस बास दाम दी गलियां दे अंदर फिर दी वेको अड़ाम दी नबी दी पीछे ना कोजी पीम दी खाम दी मर गई चंद रोज ताई मेरे पैगंबर दी जुदाई दे अंदर से आबा ते रोंदे ही पैने मेरे पैगंबर दी जुदाई दे अंदर यतीम बच्चे ते रोंदे ही पैने नबी पाक दी जुदाई दे अंदर बेवा औरतां ते रोंदियां ही पईयां ने मेरे पैगंबर दी जुदाई दे अंदर नबी पाक दी बेटी फातिमा ते रोंदी पई है आप दे कसमों कुसैम ते आप दीयां बीवियां ते रोंदियां ही पईयां ने ओ सवारी जिदे ते नबी पाक सवार हुंदे सन सीरत निगाह लिखदे ने नबी पाक दी वफात दे बाद 13 या 14 दिन जिंदा रही है हन करके गलियां दे अंदर नबी पाक नु लभदी फिरदी सी आखर भूखी तरियाई मर गई है दुनिया छड गई है अल्लाह अकबर पता चलिया मेरे पैगंबर 12 रबीउल अव्वल इस दुनिया तो रेलत फरमा गए एक दिन अदर ते अबू बकर उमर हन करके इकट्ठे होए ने ते आपस दे अंदर कहंदे ने चल यार चलिए उम्मे ऐमन नु मिल करके आईए नबी पाक दे दौर दे अंदर नबी पाक सानू नाल उम्मे ऐमन दे कोल लैके जांदे सन अल्लाह अकबर जान दियो ना उम्मे ऐमन ओ ने जिन्ना मेरे पैगंबर नु मुकाम अबवा तो मक्के तक पहुंचाया सी अल्लाह अकबर ते आप इन्हां नु वेख के फरमाया करदे सन उम्मे ऐमन मेरे वास्ते इंजी ए जिवें मेरी अम्मी ए हजरत उम्मे ऐमन नु नबी पाक अम्मी कह के बुलाया करदे अल्लाह क्यों मेरे पैगंबर अली सलातो वसलाम कायनात दे लोगो हाले तक पैदा नहीं सुनोए नबी पाक अली सलातो वसलाम दे वालदे ग्रामी इस दुनिया तो चले गए मेरे पैगंबर दी उम्र 5-6 साल हुई आप दे वालदा मुहतरमा भी जुदाइयां दे के चलिया गईयां नबी पाक नु जदो मां दी याद आंदी सी मेरे पैगंबर अली सलातो वसलाम सजीदा उम्मे ऐमन दे कोले चले जांदे ते आप उम्मे ऐमन नु अम्मी कह के बुलाया करदे अल्लाहु अकबर मां वाला रिश्ता ऐसा है एदियां कमियां ते अल्लाह दे पैगंबर भी महसूस करदे गए ने मां वाला रिश्ता ऐसे जिदियां कमियां ते अल्लाह दे पैगंबर भी महसूस करदे गए ने हजरत अबू बकर उमर रजी अल्लाह तआला चलदे चलदे हजरत उम्मे ऐमन कोले गए ना ते अबू बकर उमर नु वेख्या ते सजदा उम्मे ऐमन रो पईयां ने अल्लाह पहले नबी पाक नाल आया करदे सन सजदा उम्मे ऐमन नु अज नबी पाक नजर आए हैं नबी पाक अम्मी कह के बुलान ते ओनू नबी पाक नजर ना आन ते अड दे मौलवी नु नजर आंदे अल्लाहु अकबर सजदा रो पईयां अल्लाहु अकबर ओए नबी पाक अली सलातो वसलाम इहलत फरमा गए आप दी वफात बरहक ते जिथों तक आप दी जिंदा होण दी गल नबी पाक नु रब ने जिहड़ी जिंदगी दित्ती है सानू ओहदा शऊर बोलो ओ बरसी जिंदगी ओ अल्लाह जानदा है अल्लाह ने अपने पैगंबर नु कैसी जिंदगी दित्ती है सी जानदे बोलो असी नहीं जानदे ए नबी पाक अली की सलातो वसलाम नु अल्लाह ने जो अता कीता है बरजख दे अंदर ओदा को फैसला सासी कर सकदे है कई बंदे एडियां एडियां गप्पां छड़दे ने कब्रां दीयां गल्लां खतीब मिंबरां ते बैठ के सुणांदे ने है बाबा जी ने जिने जनाब कब्र दे अंदर फरिश्ते आए ते उन्हां कहा जी मैं हजरत गौस पाक दा तोबियां ते उन्हां कहा जी मन रब्बू का मैं गौस पाक दा तोबियां मन नबियों का मैं गौस पाक दा तोबियां मन मन मादी कैसी गल कैसी गप्पां कैसे कैसे झूठ
کہ لوگاں نو گمراہ کیتا جا رہی ہے میرے بھائی دین واضح شریعت واضح قرآن واضح حدیث واضح اس تو علاوہ جڑی کو چیز اختیار کیتی جائے گی وہ بدعت رسم و رواج نے خدا دین دے نال کوئی تعلق نہیں اور موجودہ مروجہ عید میلاد النبی ادا اسلام دے نال کوئی تعلق عیداں دو نے کنیاں بولو عیداں کنیاں ایک عید الفطر تے دوسری عید الاضحی تے کوئی بندہ زیادہ بحث کرن دی ضرورت کوئی نہیں نہ کسی نے لڑائی تے نہ کسی نے جھگڑا او عید دی گل کرے انہوں دسو عید الفطر دیاں تکبیراں وی نے عید الاضحی دیاں وی تکبیراں نے عید الفطر دیاں وی دو رکتاں نے تے عید الاضحی دیاں وی دو رکتاں نے تے عید میلاد النبی تے عید فطر اے دے اندر فرق واضح کہ عید میلاد النبی دے اندر نہ کوئی تکبیر ہے تے نہ کوئی نماز ہے جس عید دے اندر تکبیر کوئی نہیں نماز کوئی نہیں او عید او بولو او عید کوئی نہیں اللہ تعالی سانو اپنیاں خوشیاں اپنیاں غمیاں نبی پاک دی سنت دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرمائے میں ہونی آ رہا سا مین صدر بازار بند سی پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دا جشن اتے قوالی لگی سی کی لگیا سی نبی پاک نے تو فرمایا میں موسیقی دے آلات توڑن واسطے آیا کی فرمایا آپ نے موسیقی دے آلات اتنا گانا سنن دا گناہ نہیں جتنا قوالی سنن دا گناہ ہے گناہ گانے دا بھی گناہ ہے لیکن گانے نال زیادہ او دی وجہ قوال اس قدر مبالغہ آرائی کردا ہے نبی دی ذات نو رب بنا دے علی دی ذات نو رب بنا دے ایدی پوری قوالی دے اندر نبیاں دی گستاخی رب دی ذات دی گستاخی تے نبی باغ دی ولادت دے موقع تے قوالیاں چلانا کیسا نہ میرے بھائی بھائی دین نو سمجھیے دین نو پلائیے اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ آخر